हम पानी पिला, ये देखें पानी भी भाई अपने हाथ से नहीं पी सकता आप, ये देख लें। अगर अल्लाह इधर, मैं तो ऐसे समझ रहा कोई हमारे घर पीर आ गया है, इसलिए इधर बैठ गया, बड़ी बड़ी तस्वीर लेके बैठे हैं, बहुत ज्यादा खा लिया इसलिए अभी ये ऊपर बैठ के वहाँ से हवा लगवा रहा है खिड़की में। ये देखें बैठ भी सही तरीके नहीं चल सकते, हमने चार पे इधर बिल्कुल पास रखी है, फिर ये आराम से देखें ये बाहू अपने आराम से ये ऊपर करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी YouTube फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है, हमारे देखने वाले जहाँ भी रहें हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। जी तो इसने एक दुआ के साथ करते हैं आज का व्लॉग शुरू। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से आज ईद का दूसरा दिन, हमारे सब बहन भाइयों को बहुत बहुत मुबारक हो। और आप लोगों ने भी बताया, मेरी जो है ना ईद अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी गुजरी, माशाल्लाह से बहुत अच्छी गुजरी है। और आपने भी ज़रूर बताना कि आपकी ईद कैसी गुजरी है। वैसे तो हमारी ईद घर में गुजरी लेकिन अच्छी बहुत गुजरी अल्हम्दुलिल्लाह। और आपने भी बताना कि आपकी ईद कैसी गुजरी। और मैं अम्मी से पूछती हूँ कि अम्मी की ईद कैसे गुजरी है। और मैं आ गई हूँ अम्मी के पास। अम्मी की रिवेंद पावे हाँ जी, हाँ जी सही कह रहे हैं। तो फिर आपकी ईद कैसे गुजरी, अच्छी गुजरी अम्मी? अच्छी गुजरी है, बहुत अच्छी गुजरी, अल्लाह पाक हर मुसलमान दी अच्छी गुजरी हुई। आमीन आमीन, सही कह रहे हैं, आमीन आमीन। ठीक गुजरी है, बस पहले तो दिल आ गया इतना गोश्त का सुनी करे सुन के, हां बस इतना बरकत अल्लाह गोश्त में था, बस दिल ही नहीं आ गया इतना। सही कह रही हैं जी, हां बिल्कुल सही कह रही हैं, क्योंकि हम लोगों ने दोपहर को बनाया था वही शाम में खाया, दोपहर में खाया, दिल भी नहीं इतना वो कर रहा है कि भाई इतना ज्यादा खाएं हम लोग। हाँ टूरू फिर हुआ पारा ख्यारा के, हाँ गर्मी बहुत ज्यादा है, धूप है, हब्स है। तो अम्मी कह रही है के पार्क ले चलो, तो खैर बच्चे भी कह रहे हैं तंग कर रहे हैं, देखो हो सकता है कि इनको ले जाएं। वाले ओ के वाले ले धोप को देते हैं वाल पर मटे थी वे, हाँ सही कह रही हैं, झाड़ कुछ पड़ा है काल सर को सही जा सर जी, आज वाल का नहीं पड़ा ठंडी जा, चले अल्लाह पाक खैर करे। हाँ धूप हो या गर्मी लेकिन बच्चे तो तंग करते, बच्चों को तो लेके जाना चाहिए। और ये देखें माशाल्लाह से अब खजूरें जो है ना अच्छी खासी कलर बदल रही हैं और मिठास भी है, क्योंकि नीचे गिरी हुई थी ना, यहाँ पे गिरती है ना, तो हम लोग उठाते हैं और इसको चेक करते रहते हैं, क्योंकि नई चीज़ जब आने वाली है तो दिल चाहता है भाई फ़ौरन आ जाए और हम लोग खाएं, फिर ज़्यादा हो जाती तो फिर दिल भर जाता है, लेकिन आम से दिल नहीं भरता। और खजूरों में भी अभी मिठास माशाल्लाह से अच्छा खासा है। तो यहाँ पर जो है ना इन लोगों का गोश्त बॉयल हो रहा है, ये देखें, ये इसको बॉयल करके ना इस तरह से हार बनाएंगे, ये फिर सुखाएंगे, रस्सी पे डालेंगे। ये पहनने वाले हार नहीं है, लेकिन आप लोगों ने मत समझाओ शायद ये पहनने वाले हार हो, ये पहनने वाले नहीं है, ये हैं गोश्त के, क्योंकि ये जो है ना सुखाएंगे ये लोग, फिर इसको पकाएंगे, जब ये सालों साल पड़ रही है ख़राब नहीं होता, सूखा गोश्त बहुत मज़े का बनता है। तो माशाल्लाह से ये बहुत अच्छा लगता है हमें। और इधर हमारे मिट्टू के बंगले में जो है ना ये इंटरकॉम लग गया है, ताकि ये जो भी इसको गेट खटकाएगा तो यहाँ से घंटी बजाएगा। ये देखें ये फैज़ान ने घंटी लगाई हुई है, और हमारा मिट्टू ने गोश्त ज़्यादा खा लिया इसलिए अभी ये ऊपर बैठ के वहाँ से हवा लगवा रहा है खिड़की में इसलिए जो है ना इसको थोड़ा सा इसका ब्लड प्रेशर का मसला हो गया, तभी ये ऊपर बैठ गया है। ये हमारे दादा जान हैं, ये कल मुलाकात नहीं हुई क्योंकि कल सारा दिन बेचारे काम करते रहे हैं। ईद मुबारक हो बाबा, खैर मुबारक, खैर मुबारक, ईद मुबारक। मैं कह जाऊं मैं से मालूम कल घटे सटे जरा गए बड़े लड़ा गया वल खादा था का नहीं खादा ही वे का थे का नहीं उठा धन का ना खा ढका नहीं ए दांत खड़े नहीं अब्बा तो खा नहीं करो। अच्छा अच्छा, क्योंकि ये बोटी नहीं खा सकते बेचारे। चलो अल्लाह पाक शिफा देवे, शिफा देवे, आमीन आमीन। सब कुछ हां लाइन मेहरबानी तोड़े ते करे मेरा, आमीन आमीन आमीन। दादा जान लोगों के घर में पीछे आपको नजर आ रहे होंगे, ये हार इन्होंने भी यहाँ पे लटका दिए, क्योंकि अभी जो है ना ये धूप काफ़ी निकल आई है तो ये बाहर लटकाएंगी चाची इधर रस्सी पे, तो फिलहाल उन्होंने इधर लटका दिया। चलो से अभी जो है ना जुमे मुबारक का टाइम भी हो गया नमाज का, और मौसम देखें कितना प्यारा बन गया, देखें इस साइड पर इतना बादल नहीं है, जो इस साइड पर बादल है ना ये देखें कितने प्यारे प्यारे बादल हैं, हवा ठंडी ठंडी चल रही है, बारिश वाली, सब पढ़ने गए हुए हैं जुम्मा नमाज, तो हम लोगों ने कहा थोड़ी सी हवा लगवा लें, उसके बाद हम भी नमाज की तैयारी करते हैं, क्योंकि आयत ना एक टेडी बियर देख के आई है चाची के घर में, तो वो मुझे तंग कही जा रही है, कह रही कि मुझे उठा के दो उठा के दो,
दादा जब नमाज पढ़ने जा रहे थे तो मैंने कहा इनको दे दें, वो उसके साथ खेल रही है। तो अभी जो है बस नमाज का टाइम हो गया और नमाज की तैयारी करते हैं। माशाल्लाह से मौसम बहुत अच्छा है, बहुत प्यारी प्यारी ठंडी ठंडी हवा चल रही है और हल्की फुल्की ना ये देखें ये बूंदाबांदी भी हो रही है। तो बच्चे तो कह रहे थे कि हमें बाहर ले चले बाहर ले चले, अभी नमाज पढ़ के आएंगे हफ्सा के बाबा तो फिर देखेंगे, अगर बारिश हुई तो मुश्किल है, अगर मौसम ऐसा ठंडा ठंडा रहा तो फिर इंशाल्लाह ले जाऊंगी। ये इसके काम चेक करें अभी इसको शर्म भी आ रही। आयत इधर देखो, आयत इधर देखो, ये देखो इसने मेरा मार्क्स उठाया और लगा लिया। हफ्सा को कह रही है कि मुझे ना यहाँ से मार्क्स लगाओ और हफ्सा ने पीछे से बांध दिया इसको। तो ये था इसका टेडी बियर जो जिसके पीछे मुझसे ये कब से लड़ रही है, जिद कर रही है। तो मैंने ना अभी दादाजान से बोला है कि उठा के दे दें क्योंकि चाची लोग तो नहीं है मैके गए हुए इसलिए, तो उनका ले के आ गई है ये। आयत ये क्या है? देखो ये है आयत और ऊपर है आयत अल्लाह पढ़ा है, आयत अल्लाह पढ़ा है आपने, आयत अल्लाह पढ़ा है, इसको हर काम आता है। अल्हम्दुलिल्लाह आज जुमा नमाज पढ़ लिया है, तो जुमा नमाज पढ़ के जैसे मैं घर पहुंचा हूँ ना तो माशाल्लाह इधर मैं तो ऐसे समझ रहा कोई हमारे घर पीर आ गया है, इसलिए इधर बैठ गया हूँ, बड़ी बड़ी तस्वीर लेके बैठे हैं। तो मैंने कहा इनसे दम दरूद करवा लूँ तो आगे पानी रखा हुआ था इसलिए। आप ये भी काम करते हो? नहीं मैं ऐसा काम नहीं करती, ये आयत ने पिया तो वो छोड़ के चली गई है अम्मी के पास, तो इसलिए जो है ना मैंने कहा फिर आप ये गिलास इधर पड़ा हुआ था आपको यही लगा कि ये पानी दम कर रही तो है। मैं आया आराम से, तो मैं खामोशी आपसे सवाल भी नहीं किया, आराम से आके बैठ के अदब से भी मैंने कहा आज आप पे दम होने वाला है, कोई मैंने कहा आप चिल्ले में बैठ गए क्या इस वजह से। तो हाँ एक मैं आपको और बात बताने वाला हूँ कि हमारा एक मेहमान आ रहा है तो आप ना पानी का इंतजाम करें, मेहमान बस पहुंचने वाला है तो वो भी आप वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। मैं आप हमारे घर में एक मेहमान आ रहा है उनसे भी आपकी मैं मुलाकात कराऊंगा इंशाल्लाह, ठीक है? मैं उसको लेके आता हूँ, तब तक आप पानी वगैरह हफ्सा को आयत को। ये जो देखें हमारे मेहमान आ चुके हैं हमारे घर में, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें भाई जो है ना जो जिस मेहमान का मैं इंतज़ार था मैंने आपको बोला है तो वो आ चुका है हमारे घर में, आपसे मुलाकात भी कराते हैं इस भाई की। तो आ जाएँ, आ गए आप खैरियत से? चलो आ जाए, ये देखें इनकी बाइक, इससे ये मेरे घर में बेचारे चल भी नहीं सकते। आज जिस मेहमान का इंतज़ार था अम्मी जी हमारी बैठी हुई उनके साथ बातचीत करिए और थोड़ा सा मैं उनका आपको तारुफ करा दूँ। ये देखें उसने अपनी ये बैग भी साथ लेके आए हैं, तो आप बैग को देख के आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि भाई किस किस्म के अल्लाह पाक की तरफ से उनको जो भी मामला थे, देखें वो इस तरह की बैग चला सकते हैं, वो दूसरे वाली नहीं चला सकते, समझ लो वो हाथ पाँव से थोड़ा सा मजूर हैं भाई हमारे, तो वो आए हुए हैं और वो भी व्लॉगिंग वगैरह करते हैं। ये देखें ये उनका मोबाइल इधर अपनी बैग के साथ लगाया हुआ है ऊपर, तो इस तरह भी व्लॉग वगैरह भी बनाते हैं। तो इनका भी आप हमारी यही हमारी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस भाई के भी चैनल का आप विज़िट करें ताकि हम जो इसकी चैनल की लिंक होगी हम अपने डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे। और ये हम पानी पिला, ये देखें पानी भी भाई अपने हाथ से नहीं पी सकता, आप ये देख लें। अगर अल्लाह ने हमें जो जी बिल्कुल अल्लाह ने हमें अगर ताकत दी है तो हमसे जो हो सकता है इस बड़ा मुबारक दिन के साथ, क्योंकि एक तो जुमा मुबारक है और ईद उल अज़हा भी है दूसरा दिन है, तो उसके सदके इसको जो है ना हम सपोर्ट करना चाहते हैं कि हमारे बिल्कुल भाई हैं, बिल्कुल ये बेचारे मजदूर हैं बहुत ही मतलब बिल्कुल हाथ से पाँव से दोनों हाथों पाँव से भी मजदूर है, ठीक है। और किसी को ये साथ में रखते हैं मोबाइल वीडियो बनाने के लिए और या तो अपनी ज़्यादातर बैग के साथ जैसे आपको मैंने दिखाया ऊपर कैमरा लगाया होता है, ठीक है ना। तो आप लोग भी इनके चैनल में ज़रूर जाएँ, विज़िट करें, सब्सक्राइब करें क्योंकि ये बहुत बड़ी तमन्ना लेके हमारे घर है। अल्लाह ने अगर हमें कुछ ताकत दी है तो हमें भी चाहिए एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, एक दूसरे की सपोर्ट नहीं करेंगे तो कौन करेगा। बिल्कुल बिल्कुल अल्लाह का, आपने अगर जैसे हमें प्यार दिखाया है हमें सपोर्ट कर रहे हैं इसी तरह इस भाई के भी चैनल पे जाएं, इनके भी बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियो होती हैं, जी जी। आप जरूर इनका चैनल का विजिट करें तो इंशाल्लाह बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियो ये लेके आएंगे, जी जी बिल्कुल। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आई तो इसके इसका एहसास तो कम अज़ कम होना चाहिए, जी जी बिल्कुल, इंसानियत में दिल में इंसानियत होनी चाहिए क्योंकि हमें भी यही है कि हमने बिल्कुल भाई ने हमें बोला है, हमने कहा आप आ जाओ, क्यों कि अल्लाह ने अगर हमें ताकत दी है, ये चैनल पूरी इंसान की भी गारंटी नहीं है, ज़िंदगी का भरोसा नहीं है, चैनल कल भी हमारा ख़त्म हो सकता है, तो ये इसमें ये नहीं है। अगर अल्लाह ने हमें थोड़ी सी भी ताकत दिया जो हमसे हो सकता है बढ़ चढ़ के हम कर रहे हैं, तो आप अपने चैनल का नाम बताएं। मेरा नाम अली हुसैन है और मेरे यूट्यूब का चैनल का नाम है अली हुसैन वर्ल्ड,
जी ये अली हुसैन वर्ल्ड, अली हुसैन वर्ल्ड। और इस चैनल का जो है ना नाम की लिंक जो होगी मैं अपने डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप ज़रूर हमारे चैनल में आके विजिट करना और इस भाई को सब्सक्राइब करना ताकि यार ये देखें अगर किसी का आपकी हेल्प से अगर जल सके तो। जी बिल्कुल, क्योंकि ये देखें मैंने आपको पहले ही बोला है सबसे बड़े हैं जी जी, इनके बहन भाई छोटे हैं, ये जी ये भी एक सहारा बनना चाहते हैं अपने माँ बाप का, तो आपने इसको जरूर जी जी हम हमारा कहने का मकसद है हम इतने बड़े तो यूट्यूब पर नहीं हैं, हम छोटे से हैं, जो जितनी ताकत हमें अल्लाह ने दी तो हम चाहते हैं कि हम भी आगे जो है ना हम भी किसी की हेल्प करें। हमसे यही हुआ तो मेरी अम्मी जी भी काफ़ी इनको देख के कन्फ्यूज़ हो बैठी है, कहती है बेटा चल के, अम्मी जी ने भी बोला नहीं इसकी वीडियो बनाओ, हमारे पास वो जगह नहीं थी, बैठक वगैरह नहीं थी, हम फिर सीधा इनको अपने घर ले आए, ये देखे और इस बैग पर आए, ये क्योंकि चल भी नहीं सकता, अगर चल सकते तो इसको हम बाहर खड़ी कर देते, तो इसलिए यहाँ तक इनको लिया, चार भाई पे बिठाया भाई, ये मोबाइल को भी पकड़ते हैं, देखें कोशिश जदोजहद जारी है, फिर भी ये कोशिश कर रहे हैं, व्लॉग भी बनाते हैं किस तरह, देखें ये अपने हाथ से सारा कुछ करते हैं, तो आप ही खुदा के लिए इनको बहुत सपोर्ट करें, हमारी यही दुआ है। और आज की हमारी जो वीडियो है आपको बहुत पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।